हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड, आज हम गिलाडिया प्लांट को इसके सीड से आप किस तरह जर्मिनेट कर सकते हैं और गर्मी के समय पे इससे ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं। गिलाडिया हालांकि गर्मियों का फ्लावरिंग प्लांट है, मगर इसको आप किसी भी मौसम में आसानी से अपने गार्डन में उगा सकते हैं। जैसे इस समय आप देखिए, ये ठंड का समय है और यह पौधा मेरे गार्डन में कितनी बेहतर ग्रोथ और फ्लावरिंग कर रहा है। इस पौधे पर किसी भी तरह की बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। तो इस पौधे को आप सीड से किस प्रकार जर्मिनेट कर सकते हैं, इसके बहुत से कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और इसमें सिंगल पैटर्न और मल्टी पैटर्न के ढेरों कलर आते हैं। देखिए, ये एक ही प्लांट यहाँ पे लगा हो, यहाँ पे टोटल दो प्लांट लगे हैं और दोनों को मैंने अलग अलग लगाया हुआ है। इन प्लांट्स की एक बार पिंचिंग की है और जो फ्लावर सूख जाते हैं यानी जिनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, उनको मैं काट के पौधे से अलग कर देता हूं। ऐसा करने से इस पर ढेरों फ्लावर टाइम टू टाइम बनते हैं। तो अभी चूंकि सर्दियों का समय है और हमारे गार्डन में तरह तरह के फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं और ये हमारे गार्डन की शोभा लगातार बढ़ाते रहते हैं, मगर धीरे धीरे जैसे इस समय अब डहलिया फ्लावरिंग पे आने वाला है, ये भी अभी 2 से 3 महीने तक हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करेगा। यदि और भी फ्लावरिंग प्लांट, ढेरों प्लांट हमारे गार्डन में इस समय पर विंटर के समय पर हम लगाते हैं और उनसे ढेरों फ्लावरिंग हमें मिलती है, मगर जैसे ही ये विंटर के फ्लावर हमारे गार्डन से ख़त्म होते हैं तो फिर हमारा गार्डन सूना सूना सा लगता है। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट तो हमारे गार्डन में अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं, मगर उसके साथ ही हम कुछ सीजनल फ्लावरिंग प्लांट भी अपने गार्डन में टाइम टू टाइम ऐड करते हैं। तो इन विंटर के फ्लावरिंग प्लांट के समाप्त होते होते हमारे पास ऐसे प्लांट का कलेक्शन भी होना चाहिए कि हम उनको जैसे ही ये फ्लावर ख़त्म हो तो इन प्लांट्स को अपने गार्डन में लगा कर और फिर इनसे अपने गार्डन को अच्छे से सजा पाएँ। तो आइए जान लेते हैं गिलाडिया प्लांट को आप इसके सीड से आसानी से किस प्रकार जर्मिनेट कर पाएंगे। इस समय सर्दियां बहुत तेज़ हो रही हैं और बीजों का जर्मिनेशन उतने ढंग से नहीं हो पाता, तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं उस तरीके से यदि आप इसके सीड्स को जर्मिनेट करते हैं तो यह पौधा आसानी से, जब आपके विंटर के फ्लावरिंग प्लांट ख़त्म होते होते ये पौधे तैयार होंगे और फिर आप उन्हें अपने पॉट में या ज़मीन पे लगा के और इन पौधों से ढेरों फ्लावरिंग आप पा सकते हैं। तो देखिए, ये लगभग दो प्लांट मैंने लगाए हुए हैं, ये मुझे कहीं से मिल गए थे अपने फ्रेंड्स के यहाँ से, तो उन्हीं से मैंने इन पौधों का, ये जो दो प्लांट हैं इन्हीं के सीड को मैंने कलेक्ट किया है। तो देखिए, विंटर के फ्लावरिंग प्लांट के साथ मैं कुछ वेजिटेबल प्लांट भी मैंने ग्रो किए हैं। देखिए, ये शिमला मिर्च के पौधे हैं और अच्छी सर्दियों में जब खूब ठंड पड़ रही थी उस समय पर मैंने इनको ग्रो किया है और कितनी बेहतर इनका जर्मिनेशन हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, इस पे मैंने हाइब्रिड इनका की सीडलिंग कर रखी है और साथ में मैंने इस पॉट में जीनिया का भी सीडलिंग कर रखी है, क्योंकि जीनिया जो पौधे अभी हमारे लगाए हैं हमने, वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहे हैं और आगे चल के जब, चूँकि जीनिया भी जैसा कि हम गिलाडिया को ठंडी गर्मी या बरसात किसी भी समय पर लगा के फ्लावरिंग ले पाते हैं, उसी तरह जीनिया भी होता है। तो सॉइल मिक्स जान लेते हैं। सॉइल मिक्स में मैंने एक भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल, एक भाग कंपोस्ट और एक भाग रेत को मिला के अपना सॉइल मिक्स प्रिपेयर किया है और इसे इस पॉट में फिल किया है। इसको
ऊपर से कवर करने के लिए जो हम सॉयल मिक्स प्रयोग कर रहे हैं उसमें सेम सॉयल मिक्स को थोड़ी सी मात्रा में कोकोपीट मिला के, ताकि यह हल्का बना रहे, ताकि हमारे सीड आसानी से ऊपर निकल पाए। तो बाद में ढकने के लिए भी आप सेम सॉयल मिक्स से भी इसे कवर कर सकते हैं, मगर उसकी परत बिल्कुल पतली होनी चाहिए। तो देखिए, हम सीड इसमें थोड़ा दूर दूर स्प्रिंकल कर रहे हैं, ज़्यादा घने सीड आपको अपने पॉट में नहीं लगाने हैं। ज़्यादा घने सीड यदि आप लगा देंगे तो पौधों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा और फिर बाद में उनको निकालने में भी समस्या होगी। तो देखिए, इस तरह से दूर दूर आप सीड इसके स्प्रिंकल कर लीजिए। चूँकि इस समय ठंडियाँ हैं तो ठंडियों में सीड का जर्मिनेशन उतने ढंग से नहीं हो पाता, तो इसको हमको खास टेक्निक के साथ में अपने सीड जर्मिनेशन करने होते हैं। तो देखिए, इस सॉइल मिक्स को जिसमें कोकोपीट मिला हुआ है, तो हम हल्की सी परत कवर कर रहे हैं। इसे आप सेम सॉइल मिक्स से या सिर्फ कोकोपीट से भी कवर कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से कवर कर दिया है। ज़्यादा मोटी लेयर आपको नहीं डालनी है, उससे बीजों का जर्मिनेशन सही ढंग से नहीं होता और कभी कभी तो सीड जर्मिनेट ही नहीं हो पाते। तो इसलिए ये ऊपरी परत डालते समय आप किसी हल्के मटेरियल का उपयोग करें या उसकी परत बिल्कुल हल्की रखें। वाटरिंग आपको स्प्रे बॉटल की सहायता से करनी है, ताकि इस पे जो सीड का जो ऊपरी परत हमने लेयर लगाई है वह सीड बाहर ना निकले। देखिए, इस तरह से आपको पहली टाइम फुल वाटरिंग कर देनी है और फुल वाटरिंग करने के पश्चात आपको इसे एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की सहायता से कवर भी करना है। कवर करने से होता यह है कि चूंकि इस समय हवा में नमी की कमी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो इसको जब हम ढक के और बाहर दिन में इसे सनलाइट में रखेंगे तो इसके अंदर ह्यूमिडिटी जनरेट होगी और हमारे सीड फास्ट जर्मिनेट होंगे। तो इसको आपको दिन में सूर्य की रोशनी में रखना है और शाम के वक्त इसको घर के अंदर रखना है। पॉलीथीन 4 से 5 दिन बाद आप इसकी हटा देंगे, मगर जब तक बीजों का जर्मिनेशन ना हो जाए, क्योंकि ठंड बहुत है और ठंड के कारण फिर बीज जर्मिनेट नहीं होंगे, रात के वक्त इसको आपको शेडनेट के नीचे या घर के अंदर ही रखना है। तो आशा करता हूँ गिलार्डिया प्लांट को इसके सीड से जर्मिनेट किस प्रकार करते हैं इसका छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारी प्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।